भाइयों बहनों, अपना किचन में आप सबको मैं स्वागत करती हूँ। डियर फ्रेंड्स, अपना किचन आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करने के लिए रेड बटन दबाइए, बाजू में बेल बटन भी वो भी दबा के रखिए। थैंक्स अ लॉट। इसे देखकर आपको अपना बचपन की याद आ रही है ना? स्कूल जाते समय, आते समय आसपास के दुकान से लेते थे, बहुत ही पसंद करके खाते थे। ये आम पापड़ अपने हाथों से आज आपके घर में एकदम शुद्ध और आसानी तरीके से बनाने के लिए मैं आपको सिखाऊंगी। आइए अपना किचन में, और आपको अपना बचपन की याद भी, एकदम पुरानी यादें ताज़ा भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा लगेगा, जल्दी बनेगा भी। आइए, 1 किलो अच्छे से पका हुआ आम लेके बाहर का छिलका निकाल दिया, अंदर का पल्प लेके छोटा पीसेस करके रखी हूँ। इसे अभी मिक्सर के जार में हम लेंगे, इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालेंगे, हम पीस के लेंगे। देखिए, स्पून से आपको मैं निकाल के दिखाऊंगी, ऐसे ही पीस के ले लीजिए। पैन गैस स्टोव पे रखी हूँ, स्लो फ्लेम में रखे हम इसे पका के लेंगे। कौन सा भी आम आप ले सकते हैं, चम्मच से धीरे से इसको चलाएंगे हम। बाजू में खड़े होके आप करिए। 1 कप शक्कर यानी 150 ग्राम शुगर मिला रही हूँ। शुगर डालने के बाद थोड़ा सा मेल्ट होने लगेगा, पानी पानी निकलेगा, फिर से वो हलवा की तरह बनेगी। जितना गाढ़ा बनेगा उतना जल्दी सूखे आपको आम पापड़ मिलेगी। इसकी कलर भी बदल जाएगी, पीला से लेके ब्राउन कलर आएगा। 7-8 मिनट में पक जाएगा ये। गाढ़ा होने तक स्लो फ्लेम में रखे हम काम करेंगे। आधा टीस्पून इलायची पाउडर मिला रही हूँ। इलायची पाउडर मिलाने से आपको अच्छी फ्लेवर मिलेगी, अच्छा लगेगा वो खुशबू। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। देखिए, पहले से अभी और थोड़ा गाढ़ा हो गया। हो गया, छोटी सी टिप है, चम्मच में जब लेंगे ये पेस्ट को, वो फास्ट गिरेगा तो रेडी नहीं हुआ है, अगर धीरे से गिरेगा तो रेडी हो गया, मतलब सुखाने के लिए आप गैस स्टोव बंद कर सकते हैं। तो हो गया, अभी प्लेट ले लिया, थोड़ा सा उसमें घी अप्लाई करेंगे, आम की पेस्ट को उसमें शिफ्ट करेंगे प्लेट में। इसे सुखाने के लिए आपको एकदम धूप की ज़रूरत नहीं है, फ़ैन के नीचे रखकर सुखा सकते हैं। मैं घर पे ही रख के सुखा के आपको दिखाऊंगी। बाहर रखने से क्या होता है, ज़्यादा धूल वगैरह लगता है, तो उसका आप ध्यान दीजिए। अगर आप बाहर रख रहे हैं तो फ़ैन के नीचे रख के आप सुखा के लीजिए। और बारीक लेयर बनाइए, जाड़ा नहीं बनाना है, बारीक लेयर बनाइए तभी जल्दी सूखेगी। दूसरा एक प्लेट में भी आपको मैं बना के दिखाऊंगी। हो गया, अभी रखेंगे फैन के नीचे। 7-8 घंटे में मेरे ख्याल से आपको सूखे मिल जाएगा। अगर दिन में आप
10 बजे रख रहे हैं तो रात को 7-8 बजे आपको एकदम सूखे मिल जाएगा। देखिए अभी सूख गया है, ये मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, एकदम चिकना चिकनी भी है। देखिए बहुत बढ़िया लग रही है, कुछ चीज़ों अपने हाथों से बनाने से बहुत ही खुशी मिलती है और सेटिस्फेक्शन मिलता है। छोटा पीसेस करेंगे अभी, आराम से आपको काटने को होगा। इसे आप बाहर रखेंगे तो 1 महीना रख के खा सकते हैं, या फ्रिज में 2 से 3 महीना रखकर खा सकते हैं। देखिए दूसरा भी निकाल के दिखा रही हूँ मैं आपको। तो भाइयों बहनों ये ज़रूर बनाइए, अपनी पुरानी यादों को ताज़ा कर दीजिए, और जो भी आपकी अनुभव होगा हमारे साथ बांटिए और शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। देखिए हमारे घर पे तो ये बना के तुरंत ख़त्म हो गया, सब एकदम एंजॉय किए, आप भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।